नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मुखर्जी नगर जो कि मक्का कहा जाता है स्टडी आई एस पी सी एस के मामले में। आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ की फाइव स्टार लाइब्रेरी के बारे में आप लोगों के लिए बताएंगे जो कि ऊपर है एनजी लाइब्रेरी, जिसे फाइव स्टार लाइब्रेरी कहा जाता है यहाँ की, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। चलिए जानते हैं उन्हीं से कि किस प्रकार की फैसिलिटी है उनके यहाँ। बहुत ज़्यादा फाइव स्टार लाइब्रेरी इसे कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा मिलते हैं इनके ओनर से और थोड़ा सा देखते हैं अंदर का ओवरव्यू। आइए। और ये हम लोग आ गए हैं रिसेप्शन पर। सबसे पहले हम रिसेप्शन पर भैया से थोड़ा कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि क्या यहाँ के फीस चार्जेस हैं और किस तरह के एनवायरनमेंट ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं। मुखर्जी नगर की जान फाइव स्टार लाइब्रेरी एनजी, हर स्टूडेंट को पता है यहाँ पे, हर स्टूडेंट को पता है कि अगर सिलेक्शन पाना है तो एनजी लाइब्रेरी में आना है। ठीक है, तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? शुभम। शुभम जी, भैया कितना टाइम पुरानी लाइब्रेरी है ये? 3 साल हो गए इसको लेकर। जी भैया, क्या 24 आवर चलती है? दिन में खुलती है, बाद में रात में बंद? 24 आवर्स खुलती है। जी भैया, सबसे पहले मैं फैसिलिटी की बात करूंगा, आप स्टूडेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं? न्यूज़पेपर, वाईफाई, कूलिंग, किस तरह का? सब कुछ है, न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, और वाईफाई भी है, वाटर का है, और सेपरेट बाथरूम है। अच्छा, थोड़ा सा भैया मैं प्रकाश डालना चाहूँगा चार्जेस की तरफ, आप लोगों के चार्जेस क्या होते हैं, और कोई न्यू स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आपके पास एडमिशन लेने आता है तो क्या चार्जेस रहेंगे? 6 मंथ के 1000 रुपीज़ हैं। 1000 रुपीज़ हैं, और ऐसी मतलब कि अच्छा भैया, तो थोड़ा सा डिस्काउंट वाला ऑफर मुझे बता दीजिए कि तो अगर कोई स्टूडेंट 3 महीने के लिए ज्वाइन करता है तो कितने में उसको सस्ता पड़ जाएगा? जी आप बताइए भैया। एक मिनट, माय नेम अमित। एक्चुअली हमारी लाइब्रेरी का जो चार्जेस है, बिकॉज आप देख सकते हैं ये मंथली चार्जेस है, ये 3 मंथ पैकेज है। देखिएगा यहाँ पे ये फाइव स्टार लाइब्रेरी, आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आप 1 मंथ का ज्वाइन करते हैं तो 1100 है, इसी में अगर आप लोग ये 6, हाँ मैं बता दूंगा थोड़ा सा अभी इसमें आप लोगों के लिए। सर ने मेरे को बताया कि अभी इसमें डिस्काउंट अवेलेबल है, अगर आप अभी अभी बहुत कम सीटें बची हुई हैं, अगर आप आगे रिजर्व कराते हैं अपनी सीट तो आपके लिए डिस्काउंट दिया जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे 6 मंथ का पैकेज है वो 3000 में, उसमें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग आइएगा, डायरेक्ट एडमिशन लीजिएगा। अंदर का वातावरण अभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, किस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं। आई एस पी सी एस हो, स्टेट पी सी एस हो, या एस एस सी के एग्जाम हो, सारे स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो आइए थोड़ा सा अंदर का ओवरव्यू मैं दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। तो ये माहौल आप देख सकते हैं लाइब्रेरी का, यहाँ पे ये एनजी लाइब्रेरी है और पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पे सजाया हुआ है। प्लस में वाई का था, कोविड की गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए भैया ने ये बताया हुआ है कि देखिए किस तरह से यहाँ पे कोविड की गाइडलाइंस के एक स्पेस देने के बाद में एक स्टूडेंट को बिठाया गया है। सीटें रिजर्व होते हुए भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट है। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। अमित कुमार पांडे। अमित कुमार, आप कितने समय से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? 1 साल हुए सर। जी 1 साल। 1 साल सर, किस तरह का एनवायरनमेंट है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी आपने क्यों ज्वाइन की? बहुत अच्छा है सर। जी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। क्या यहाँ पे न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं, वाईफाई, क्या क्या फैसिलिटी है? कुछ है, बेस्ट, सारी बेस्ट, बेस्ट, सारी, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डिस्टर्बेंस वाली ना कोई। क्या 24 आवर लाइब्रेरी खुलती है? अब तो मैं तो 12 घंटे के लिए। आपने 12 घंटे का चार्जेस लिया है, ठीक है ना। तो देखिए लगे अब वहाँ पे पानी पीने का है, इधर वॉशरूम है, सारी फैसिलिटियाँ हैं यहाँ पे। और आइएगा थोड़ा सा ओवरव्यू और स्टूडेंट से लेते हैं जो यूपीएससी की यहाँ पे तैयारी करते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, और ये आपको विजन का नोट्स देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक सीट पर्टिकुलर आपकी है, यहाँ पे आप लोग बुक्स अपनी रख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पे आप लोगों के लिए बैठने के लिए सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, बाइक आदि सारी चीज़ें। आइएगा नेक्स्ट, थोड़ा बात करते हैं भैया से, डिस्कशन करते हैं कि अभी मेन चीज़ यहाँ पे कोविड की गाइडलाइंस का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है, चाहे कितनी भी भीड़ हो लेकिन फिर भी स्पेस आप लोगों को एक सीट का देखने के लिए मिल जाएगा। तो भैया से थोड़ा सा जानते हैं, भैया आपका शुभ नाम, थोड़ा आपका नाम जानना चाहेंगे? अरिशद हुसैन। अरिशद भैया, थोड़ा 2 मिनट लेंगे आपका थोड़ा सा। भैया आप कितने समय से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 3 मंथ। 3 मंथ। किस तरह की फैसिलिटियाँ होती हैं लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी स्टूडेंट को क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? आप काफ़ी सीनियर हैं, आप थोड़ा अगर कोई बिगनर है तो वो जानना चाहता है। बिगनर की ये नहीं है कि लाइब्रेरी में जो है वाईफाई वगैरह की सुविधा होती है, जैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में हेल्प होता है। यस, तो ऑनलाइन का टाइम है तो आप जो है ऑनलाइन अपना आराम से बैठ के इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक, एसी फैन वगैरह की सब सुविधाएँ होती हैं जो कि रूम वगैरह नहीं मिल पाती, अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक। और बाकी यहाँ पे किस तरह के न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, क्या क्या प्रोवाइड? द हिंदू का न्यूज़पेपर है, मैगजीन अपना, अगर वैसे स्टूडेंट मैगजीन अपनी लाते हैं खुद की, बट कोई अब दूसरी की मैगजीन पसंद नहीं करता ना,
तो एक न्यूज़पेपर एक ऐसा है जो कॉमन होता है, तो इसलिए न्यूज़पेपर अवेलेबल है यहाँ पर। मैगजीन का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो अपनी सीरियस होकर तैयारी कर सकता है? हाँ हाँ, सीरियस होकर तैयारी कर सकता है। अभी मेरे को पता चला है कि वहाँ पर चार्जेस हैं जो करीबन 6 मंथ्स के 3000 चार्जेस हैं, क्या वो रियल चार्जेस हैं या फिर उन्होंने को वैसे ही लिख रखा है? ये तो मुझे नॉलेज में नहीं है कि थ्री एवरेज में आपने कितना 1200-1100 कितना दिया, 6 घंटे का 8 घंटे का? नहीं, हमारा जो है मैंने 2000 रुपये दिए हैं, ठीक है, जिसमें कि हाँ हाँ कंटिन्यू कर। थैंक यू भैया, आप अपना कंटिन्यू स्टडी कीजिएगा। तो देखिए, आप किस तरह से देख सकते हैं, एकदम 5-स्टार लाइब्रेरी इसको बोला जाता है, एनजी इसके नाम से ये चलती है, इसकी और भी काफ़ी ब्रांचेस हैं यहाँ की दिल्ली में, आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। देखिएगा किस तरह से एक न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो किस तरह से अपने कैबिन को सजाता है। इसमें आप लोगों के लिए पर्टिकुलर एक लाइट दी जाती है, इसमें आप लोग अच्छी तरह से इस तरह से बैठ के पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यू दिखा देता हूँ जिस तरह से मैं बैठ के पढ़ूंगा। यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट आता है, कोई भी ओल्ड स्टूडेंट हो इस तरह से अपना पढ़ता है, इधर उधर उसे कहीं ध्यान नहीं देना होता। तो ये इस प्रकार का इन्वायरमेंट आप लोगों को लाइब्रेरी में देखने के लिए मिलता है। और बात करें अगर यहाँ पे एक तरह की फैसिलिटियों की, तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? नवनीत जी। नवनीत, थोड़ा तेज बोलिए, हम परमिशन लेके आए। नवनीत, नवनीत भैया, नवनीत भैया आप कितने समय से हैं लाइब्रेरी में? मैं 3 महीने। आप कहाँ से हैं? हरियाणा। किसकी तैयारी करते हैं? मैं हरियाणा एग्जाम्स के लिए। अच्छा, हरियाणा एग्जाम्स के लिए। भैया लाइब्रेरी ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है? कोई न्यू स्टूडेंट अगर आपको देखना चाहता है या हरियाणा के स्टूडेंट आपको देख रहे हैं अभी फिलहाल में, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि लाइब्रेरी इसलिए सफिशियंट होता है कि रूम पर थोड़ा कम पढ़ना होता है, लाइब्रेरी में ज़्यादा होता है? यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट हो जाता है, एक तो अपना कंफर्टेबल बैठ के पढ़ो, डिस्टरबेंस कम होती है घर पे, मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है लाइब्रेरी में, और ये कहाँ पे है लोकेशन? मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में, ये बत्रा सिनेमा के फ्रंट में। थैंक यू भैया, चलिए आप अपना कंटिन्यू कीजिए, बस 2 मिनट का ओवरव्यू था हमारा। तो देख सकते हैं आप किस तरह से न्यू स्टूडेंट, थोड़ा सा दिखा दीजिए इधर साइड में, ये आप लोग देख सकते हैं जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ने लगा रखे हैं, इतने अच्छी तरीके से स्टूडेंट तैयारी करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब लास्ट स्टूडेंट से थोड़ा सा हम बात करेंगे, हमारे सीनियर भैया हैं, भैया बस 2 मिनट का टाइम लेंगे, लगता है भैया पढ़ रहे हैं। भैया आपके पास क्या 2 मिनट का टाइम होगा? आपका शुभ नाम भैया? यस यस यस। भैया कितने टाइम से हैं आप लाइब्रेरी में? 2 साल से। 2 साल से एनजी लाइब्रेरी में है। किस तरह का इनका बिहेवियर है, जो ओनर हैं किस तरह का एनवायरनमेंट है? यहाँ बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, मैं 2 साल से। किसी स्टूडेंट के पास में फीस नहीं होती, वो 2 दिन डिले करता है, तो इनकी तरफ से कोई टाइट किया जाता है? नहीं, ये कभी फीस के लिए कभी नहीं बोलते। अच्छा, एक एनवायरनमेंट ये होगा। भैया लाइब्रेरी के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, कि यहाँ पर स्टूडेंट कंपलसरी पढ़ाई कर सकता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ये लोग सपोर्टिव करते हैं जो स्टाफ है यहाँ का? हाँ, बहुत अच्छा स्टाफ है। एक चीज़ और बताइए मेरे को, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाती है? इनकी तरफ से लॉकर किताबें रखने के लिए, लॉकर भी इन लोगों की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। अच्छा भैया एक बात बताइए, अब यूपीएससी का तैयारी था? एसएससी सीजीएल। चलिए, थैंक यू भैया, आप अपना तैयारी करते कंटिन्यू। ओके, तो आप लोग पूरी तरह से देख सकते हैं किस तरह का एनवायरनमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे स्टूडेंट अपना कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे इसी तरह से तैयारी हो जाती है। इसी यहाँ से, इसी लाइब्रेरी से बहुत सारे आईएएस निकले हैं, पीसीएस निकले हैं, बहुत सारा सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को देखने के लिए मिले, और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। चलिए, तो थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा बात करते हैं इनके ओनर से, किस तरह की यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आइए, पूरा ओवरव्यू आप लोगों को लाइब्रेरी का दिखा दिया, ये है एनजी लाइब्रेरी। बस 2-4 क्वेश्चन और हैं थोड़ा। आइए, तो हम थोड़ा भैया से जानते हैं, भैया यहाँ पे रिसेप्शन पर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं जानता हूँ भैया कि अभी फिलहाल में कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो उसके लिए प्राइजेस का क्या क्राइटेरिया रहेगा? भैया इसमें फ़िलहाल जो है अभी जो चार्जेस है 6 आवर्स के अभी 900 है, और 8 आवर्स के 1100 है, और जो भी है अभी फ़िलहाल 100-100 रुपये कम है, जितने भी चार्जेस है। 3 मंथ पैकेज भी है जो भी, उसमें भी अभी लेस कर रखा है, और जो नए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं अभी फ़िलहाल। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, बिकॉज क्या है, सेपरेट सबके वॉशरूम है, AC है, प्लस वाटर है, वाईफाई है, न्यूज़पेपर है, मंथली मैगजीन्स है, और सीट्स जो हैं सबके सिंगल्स है, सीट रिजर्व नहीं होती है, और आपके जो आवर्स है वो आप 2 शिफ्ट में कर सकते हो, चाहे फिर वो 8 आवर्स हो, 12 आवर्स हो, या फिर 6 आवर्स या 10 आवर्स। देखिएगा भैया ने कितना अच्छा चीज़ बताया कि यहाँ पे सीट रिजर्व नहीं होते। सीट रिजर्व का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट को एक तरह से झगड़ा हो जाता है कि कोई कहीं बैठा कोई कहीं, यहाँ पे आप लोग आके किसी भी सीट पर आके बैठ सकते हैं, और मैनेजमेंट इसमें आप लोगों के लिए सपोर्ट करेगा। प्लस में यहाँ पे आप लोगों के खाने के लिए अलग से एक टेबल लगाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग खाना खा सकते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे अगर गर्ल्स के लिए सेपरेट सीटिंग की भी व्यवस्था है, अगर गर्ल्स कोई चाहती है कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं लग रहा है, तो उनके लिए 10 सीटें अलग से सेपरेट हैं, उन पर जाके गर्ल्स बैठ सकती हैं। फुल यहाँ की टीम, टेक्निकल टीम की तरफ सपोर्ट किया जाता है।
तो और भैया एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर बाहर से कोई स्टूडेंट आता है आपके यहाँ पे, अगर थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल लगता है तो डेमो देते हैं हम, एक दिन का डेमो होता है, वो बैठ के देख सकते हैं और बता, फिर उसके बाद अपना बता सकते हैं कि जी हमें कम्फर्टेबल है या नहीं। भैया ने बहुत अच्छी चीज़ बताई, आप लोग फर्स्ट डे आप लोग एनजी लाइब्रेरी में आके आप लोग डेमो ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, इसको फाइव स्टार लाइब्रेरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी अभी भी मैंने काफ़ी 2019 से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो 2019 से कई ब्रांचेज मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिली हैं। मुखर्जी नगर के आसपास भी एनजी लाइब्रेरी के नाम से कई ब्रांचेज हैं, एक परमानंद में है और एक कैंप के आसपास होकर के, तीन ब्रांचेज एनजी की लाइब्रेरी से चलते हैं, तीनों की तीनों में बेस्ट क्वालिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आप किसी भी ब्रांच में अगर आप न्यू मुखर्जी नगर के नियरेस्ट रहते हैं तो एनजी लाइब्रेरी जस्ट बत्रा सिनेमा के जस्ट फ्रंट टॉप है, पांडे बुक शॉप के जस्ट ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर आप लोगों के लिए देखने के लिए मिल जाएगी। तो थैंक यू भैया, यही सारा ओवरव्यू आप लोगों को जानना था। तो बाकी आप एक बार अपना कार्ड दिखा दीजिए, बाकी हम थोड़ा सा नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में और डैशबोर्ड पर दिखा देंगे। ये भैया जी का कार्ड है, आप लोगों को लोएस्ट प्राइस मिलेगा, अभी फिलहाल में डिस्काउंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ जब आप लोग यहाँ पे एसी का अभी थोड़ा सा बंद हो जाएगा तो और चार्जेस आप लोगों को डिक्रीज होने के लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, ये था एनजी लाइब्रेरी का ओवरव्यू, देखिएगा आप लोगों के बहुत बेटर लाइब्रेरी हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि दिल्ली में लाइब्रेरियाँ कैसी होती हैं, किस तरह की फैसिलिटी मिलती हैं, तो हमने अंदर से ओवरव्यू ओनर का थोड़ा इजाज़त लेके भैया से थोड़ा सा अंदर का ओवरव्यू आप लोगों को दिखा दिया किस तरह का एनवायरमेंट है। आप लोग IAS PCS SSC CGL रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना 6 घंटे 8 घंटे आके लाइब्रेरी में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।